जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर पढ़ने चल रहे हैं। यह एडीसीए, डीसीए और ट्रिपल सी के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी कि यह कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें और उनको सॉफ्टवेयर अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें आज कंप्यूटर का जो टॉपिक है, कंप्यूटर का जो एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर, उसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिंट दे दें आपको कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, किसने किया था, ठीक, पहली बार जो बना था कंप्यूटर क्या, कौन सा क्या क्या था। तो हम आपको बता दें कि कंप्यूटर की जो खोज मानी जाती है वो मानी जाती है 1822 ईस्वी में। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, किसी भी बुक में आप देखेंगे आपको 1822 ही मिलने वाला है। कहीं भी आप ढूंढ लीजिए तो आपको कंप्यूटर की खोज, अगर आप पूछते हैं कब हुई थी, तो 1822 में हुई थी। फिर पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। जनक का मतलब होता है फादर, या फिर आप कह सकते हैं फाउंडर, उसके खोजकर्ता कौन थे, ठीक। तो अगर इसकी बात की जाती है तो जो कंप्यूटर के जनक थे वो कौन थे, चार्ल्स बैबेज। आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। किसने किया था, चार्ल्स बैबेज ने किया था। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी नाम क्या है, संगणक। संगणक आप देखेंगे ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा समधन गणक आएगा। समधन क्या आएगा, गणक है। सम मतलब समान रूप से, समान रूप से गणना करने वाला। समधन गणक का मतलब क्या हो जाएगा, गणक मीन्स गणना करने वाला, समान रूप से जो गणना करे उसी को हम संगणक, मीन्स अंग्रेजी में हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था। तो बताते हैं कि जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था अवेकस। क्या नाम था, अवेकस। आप पेन और कॉपी के साथ साथ बैठेंगे और इसको नोट डाउन करते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका उठाया गया है। जब आप कॉपी और पेन के साथ बैठ करके आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे हमारे साथ साथ, तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, फिर रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। कंप्यूटर की खोज तो आप जानते ही कि 1822 में हुई थी, बट जब पूछा जाता है कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या था, तो कहते हैं कि अवेकस था। अवेकस दिखने में कैसा था, आप लोगों ने प्राइमरी में मिलने वाली एक तख्ती जिसमें गिनतारा बने होते थे, इस तरीके से कुछ होता था, आपने देखा होगा इसे, इसे कुछ गोली गोली तरीके से बना होता था, यदि आपने देखा हो तो, ठीक। बच्चे इसी से एक एक गोली गिन गिन करके यहाँ पर इसे स्लेट बना रहता, उसमें अपना गिनते थे, लिखते थे, कुछ इसी इसी आकार का होता था, लकड़ी का फ्रेम होता था, तारें लगी होती थी, उन तारों में गोलियों को गुथा गया था, और इसी आकार का कुछ आपका जो था ये अवेकस था। तो अवेकस कि खोज हुई कब थी, क्या 1822 में हुई थी, क्वेश्चन ये उठता है, बहुत ही सस्पेंस होता है इसमें जब बच्चों से पूछा जाता है कि अवेकस की खोज हुई कब थी, तो सब लोग यही सोचते हैं कि पहला कंप्यूटर ये है अवेकस, और कंप्यूटर की खोज हुई थी 1822 ईस्वी में। तो जब 1822 ईस्वी में खोज हुई थी तो अवेकस ही होगा, बट ऐसा नहीं है। 1822 में चार्ल्स बैबेज ने किसी कंप्यूटर की खोज किया था, अभी हम उसको आगे बता रहे हैं कौन सा था वो, लेकिन अवेकस जो था वो आज से लगभग लगभग आप कहीं कहीं आपको 500 भी मिल सकता है, 600 ईसा पूर्व लगभग हम बता रहे हैं, कहीं कहीं आपको बुक में या कोई बताता है तो हो सकता है वो 500 ईसा पूर्व बताए, क्योंकि क्लियर डेट नहीं है, बट 500 या 600 इतना तो क्लियर है, इतना आप बता सकते हैं, ठीक।
तो आप ये बताइए, कहा जाता है कि पहला कंप्यूटर ये था, इसकी खोज हुई थी 600 ईसा पूर्व और माना जाता है कि 1822 में कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस होता है कि जब 600 ईसा पूर्व पहले अबेकस की खोज हो चुकी थी तब 1822 की बताते हैं, 600 ईसा पूर्व ही बताना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा आप इसको, ये जो हमारा कंप्यूटर था ये केवल गणना करने के ही काम में आता था, ये आंकड़ों को ही गणना कर सकता था, इसमें लॉजिकल काम हम नहीं कर सकते थे जैसा कि आज करते हैं, ठीक। तो इसको जो है कंप्यूटर की संज्ञा दी नहीं गई, कंप्यूटर की संज्ञा नहीं दी गई, केवल संगणक समान रूप से गणना करने के आधार पर ही इसको कहा जाता था कि यह भी कंप्यूटर है, तो पहला इसी को मान लिया गया, बट इसको कंप्यूटर की संज्ञा दी नहीं गई, इसलिए 1822 बताते हैं, क्योंकि यह चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में कंप्यूटर की खोज की, चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में कंप्यूटर की खोज की, और 1822 में इन्होंने जिस कंप्यूटर की खोज किया था उस कंप्यूटर का नाम है डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर का नाम क्या है? डिफरेंस इंजन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये सस्पेंस नहीं होगा आपको कि ये दोनों कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये रहा अबेकस के बारे में जानकारी। अबेकस, ठीक, पहला कंप्यूटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि जब अबेकस की खोज चार्ल्स बैबेज ने नहीं किया, 600 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, तो जिस कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने किया था उसका नाम क्या था? तो आप फटाक से बता देंगे कि डिफरेंस इंजन था, ठीक। फिर पूछा जाता है कि जब चार्ल्स बैबेज ने अबेकस की खोज नहीं की तो अबेकस की खोज किसी न किसी ने तो किया होगा, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मालूम है, बट आप चीन बता सकते हैं, चाइना ने अबेकस की खोज की थी। किसने किया था? चाइना ने किया था, ठीक। अब हम ये समझते हैं कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इन दोनों में आपको डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की ओर, क्योंकि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर है, तो हम सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं, कैसे समझेंगे हम सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे कंप्यूटर को, भाई अगर कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो इसके आप टू पार्ट्स पाएंगे। कितने पार्ट्स पाएंगे? फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकली तो पांच पार्ट हो जाएगा मेनली आपका कंप्यूटर में, आपका मेनली फिजिकली अगर आप देखते हैं तो वो पांच पार्ट हो जाता है, कौन कौन सा? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, ये हो जाता है आपका पांच पार्ट, बट हम फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखते हैं तो जो कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पर पाएंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, और हार्डवेयर, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर, ठीक। तो ये दोनों आपका हो जाता है। अब इन दोनों में से हमको सॉफ्टवेयर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सॉफ्टवेयर पढ़ना है, और अभी तो हम दोनों में अंतर जानने के लिए दोनों को समझेंगे, बट आज हमें केवल सॉफ्टवेयर ही पढ़ना है, हार्डवेयर हम नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप सॉफ्ट का मतलब आपको अच्छे से मालूम होगा, सॉफ्ट का मतलब होता क्या है? जनरली सॉफ्ट का मतलब आप समझेंगे मुलायम होता है, ठीक। जनरली सामान्यतः आप समझेंगे कि सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है, और वेयर मीन्स आपको पता होगा कि सामान होता है, वेयर मीन्स सामान होता है, जैसे आप फुटवेयर खरीदने जाते हैं, फुटवेयर, कोई कुछ लोग उसको बियर भी बोलते हैं, फुटवेयर मतलब पैर में पहनने वाला सामान, ठीक। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर होता है, वेयर मतलब हो जाएगा सामान, नोट डाउन करते रहेंगे कॉपी और पेन के साथ में, ठीक। सॉफ्टवेयर मुलायम होता है, बट यहां पर इसका अर्थ मुलायम नहीं लिया जाएगा, ठीक। ऐसा सामान, ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। केवल और केवल हम उसको अनुभव कर सकते हैं,
केवल और केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अभी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हम सबको टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, पटक सकते हैं, मारकर हमारे पास है, इसको तोड़ दें, फोड़ दें, पिचका दें, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। बट आप हमको मोबाइल में देख रहे हो, आप हमको एक थप्पड़ मारना चाहो तो नहीं मार सकते हो, क्योंकि अभी हम आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, हम हार्डवेयर नहीं होंगे। ये मारकर आपको दिख रहा होगा, आप हमसे छीन नहीं सकते हो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर है। बट आपको फिजिकली ऐसे हाथों में दे दिया जाता है तो क्या हो जाता है, हार्डवेयर हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वह होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व संभव हो, जिसका अस्तित्व संभव हो। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर आप ऐसे ही फॉर्मेलिटी के रूप में इसकी जो परिभाषा लिखना अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि तार्किक रूप से क्रमबद्ध किए गए प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तार्किक रूप से क्रमबद्ध किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अगर आपसे ऐसे जनरली चलती राह में कोई पूछ लेता है तो आप एक घंटा रुक करके उसको तो ऐसे बताएंगे नहीं, ठीक है पूछ लिया, अब उसको पकड़ लो और पकड़ करके बताओ कि भाई देखो सॉफ्टवेयर यही होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सीधा सीधा एक वर्ड में बोल देना है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, इसके बिना हमारा सिस्टम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि अगर हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, एक डिब्बा है उसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसके अलावा और कोई वो नहीं है इसका। तो अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार देखते हैं, आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट्स की ओर, इसके टाइप्स की ओर, कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, आप टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, अभी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। ठीक, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप जो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अगर हम देखते हैं तो होते कितने हैं, सबसे पहले तो आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहला आपका जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। पहला आपका कौन सा हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। और दूसरा आप देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तीसरा, तीसरे की जो हम कैटेगरी बनाएंगे उसकी ये कैटेगरी बनाएंगे अदर सॉफ्टवेयर में, अदर सॉफ्टवेयर में तीसरी जो कैटेगरी बनाएंगे हम अदर सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। इन दोनों के अलावा हमें जो भी सॉफ्टवेयर मालूम होगा, जो भी ज्ञात होगा, उनको हम इस कैटेगरी में डाल देंगे और उनको एक एक करके समझ लेंगे। तो समझते हैं तीनों को कि कौन क्या क्या होता है ये, है ना, कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, उसके बाद जब वो क्लियर हो जाता है तब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक, आप अगर सामान्य सी भाषा में लिखना चाहेंगे तो हम बता दें आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है जो सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने का कार्य करे उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये बेसिक कार्य के लिए यूज किया जाता है, इसकी भी अपनी कैटेगरी होती है, तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम आप टाइप में बांटना चाहें तो
बना सकते हैं आप, कॉपी और पेन के साथ लिखते रहिएगा, साथ साथ में नोट डाउन करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो पहला आपका जो हो जाएगा ये आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जो तीसरा होता है वो तीसरा आपका होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो रहता है इसमें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक। ये आपकी तीनों कैटेगरी हो गई। तो आप देखेंगे कि एक एक करके हम इसको समझते जाते हैं और आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यह किसी विशेष कार्य के लिए यूज किया जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप को कोई काम करना है उसके लिए आप पर्सनली कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं किसी विशेष कार्य के लिए। अदर में हम रखेंगे, इन दोनों के अलावा जो आएगा वो हम अदर में रखते जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म करेंगे फिर एप्लीकेशन पे आएंगे, जब यह खत्म हो जाएगा तब हम अदर पे आ जाएंगे। तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते हैं। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला हो जाएगा आपका ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, कैसे कब विकसित हुआ, और जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था वह कौन सा था। तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विकसित हुआ था यह हुआ था 1980 के दशक में, आप कह सकते हैं 1980 के दशक में हुआ था, नहीं तो आप 1980 भी बताते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। वैसे आपको 1980 के दशक में ही बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 के दशक में बना था। तो जो 1980 के दशक में विकसित किया गया जो पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था, आप यहाँ पर लिख बता दे सकते हैं, एमएस डॉस था। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एस से सिस्टम हो जाएगा, ये आपका होता है फुल फॉर्म। ये आपका क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है एमएस डॉस का, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। तो ये आप जान गए कि एमएस डॉस कब विकसित हुआ, एमएस डॉस 1980 में हुआ, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे चाहे एमएस डॉस पूछे, दोनों आया था। तो पहला यही बना ही था तो सन वही हो जाएगा दोनों का, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पहले ही हम समझ लेते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी जब इसकी कैटेगरी आती है क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, इसका एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं पढ़ा रहे थे। तो आपके पास एक बाइक है, एक बाइक है, और बाइक है आपके पास, आपके पास एक बाइक है, ठीक। बाइक में कोई कमी नहीं है, बाइक में कोई कमी है नहीं, सारे पार्ट्स ठीक हैं, इंजन ठीक है उसका, और बाइक को चलाने वाला भी है, बाइक को चलाने वाला भी है। ऐसी कौन सी चीज की अब कमी है कि जिससे बाइक
चलेगी, यानी कि अगर वो नहीं होगा तो बाइक कुछ नहीं कर सकती है, ये कौन सी चीज हो सकती है? आप कल्पना करेंगे कौन सी चीज हो सकती है, बाइक में कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ ठीक है, इसका पहिया वगैरह सब कुछ ठीक है, इंजन भी ठीक है, सारे पार्ट ठीक है, चलाने वाला भी है, बट ऐसी क्या चीज की कमी है अभी इसमें कि जिसके वजह से ये अभी चलेगी नहीं, अगर वो नहीं है तो ठीक। तो आप अगर सोच लिए हो तो ठीक है, अदरवाइज हम बताते हैं कि अगर ये तेल से चलने वाली गाड़ी है तो इसमें ऑयल की कमी है। किसकी कमी है? ऑयल की कमी है। बिना ऑयल के चलेगी कैसे ये? ठीक, इसमें ऑयल की कमी है, तेल। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी कमी है। अब आप बताइए कि अगर इसमें तेल ही नहीं होगा तो ये चलेगी कैसे? ठीक, यानी कि ये जो ऑयल है इसको ऑपरेट करने का काम करता है, इसको चलाने का काम करता है। ठीक है, चलाने का काम करता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी, तेल के जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं हम, तो वही काम इसका भी हो गया। अब आप बताइए, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सिस्टम है या फिर मोबाइल है, लैपटॉप है, लैपटॉप भी है आपके पास, मोबाइल है, मॉनिटर है, कंप्यूटर आपका है, बट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई पड़ा ही नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर कोई पड़ा ही नहीं है, तो आप बताइए ये हमारा सिस्टम चलेगा कैसे? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कैसे चलेगा? जैसे बाइक को चलाने के लिए हमें तेल की जरूरत पड़ी थी या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत पड़ी थी, उसी तरीके से हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, मोबाइल को चलाने के लिए, लैपटॉप को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। शॉर्टकट में इसको OS, OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप बताइए, यानी कि अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ऐसा पड़ा होना चाहिए जो इसको चलाने का काम करेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो सिस्टम है वो किसी काम का नहीं है, एज अ डिब्बा है, बॉक्स है और कुछ भी नहीं है, पटक दो कुछ भी कर दो उसको तो ये काम करने वाला नहीं है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। आई होप कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए होंगे। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो शुरू से लेकर के अब तक आए हुए हैं, कुछ फेमस एग्जांपल हम देखते हैं। आप इसको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां नहीं आपको समझ में आया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो सिस्टम को चलाने का कार्य करता, ऑपरेट करने का काम करता, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर और यूजर के बीच में, मान लीजिए यहां पे कंप्यूटर है और यूजर है ठीक, इन दोनों के बीच में वह इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है? इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब होता है, इसका क्या मतलब होगा? इंटरफेस का मतलब यह होता है कि दो चीजों के बीच में जो माध्यम बन करके दोनों को जोड़ने का काम करता है उसी को हम इंटरफेस बोलते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर के और जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है इन दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, एक माध्यम बनता है दोनों के जुड़ने का। अब अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा कंप्यूटर है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, केवल और केवल कंप्यूटर रखा हुआ है, तो आप बताइए आप उस कंप्यूटर पर क्यों बैठेंगे, जुड़ेंगे उस कंप्यूटर से? कुछ है ही नहीं, क्या चलाएंगे हम उसमें? कुछ नहीं चला सकते हैं, तो उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं इसके।
पहला ही एग्जाम्पल हम लेते हैं एमएस डॉस, अभी बताया था हमने एमएस डॉस, ये 1980 के दशक में आया था। नोट डाउन जरूर करते रहेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक। कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर, और डीसीए एडीसीए ट्रिपल सी आदि कंप्यूटर के जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो एमएस डॉस जो होता है 1980 के दशक में आया था, और यह फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पहले हम लिखा चुके हैं तो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, अगर इसके बाद कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया है तो वो है विंडो 95। आप यहाँ पे 1995 लिख सकते हैं क्योंकि 1995 में इसके बाद में ये आपका आया है जो कि फेमस है। विंडोज 95 क्यों इसको बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1995 में आया हुआ था। कब आया था? 1995 में आया हुआ था। फिर आप देखेंगे ये 1998 में आया, फिर 2000 में आया। 1998 में आया तो इसको बोलेंगे विंडो 98, 2000 में आया तो विंडो 2000 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 2003 में आया, फिर 2007 में आया, 2010 में आया, 2011 में आया, 2013 में आया। तो इस तरीके से नए नए वर्जन निकलते गए। वर्जन का मतलब होता है कोई चीज, अगर कोई सामान आप बनाते हैं, समय जैसे जैसे बीता आप उसमें कोई ना कोई नई चीज जोड़ करके उसको फिर से लॉन्च कर देते हैं तो उसका न्यू वर्जन हो जाता है। उसी तरीके से जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो इसको इसमें कोई ना कोई चेंजिंग करके बदलाव कर करके ये नया नया वर्जन निकालते गए। तो विंडो 3 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 13 भी है। इस तरीके से नए नए वर्जन आते गए। फिर आगे इसकी हम देखते हैं कि इसके आगे कौन सा आपका आया था। बहुत सारे ऐसे आए हुए थे, एक्सपी है, एनटी है, ठीक, एमई है। इनका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म बता दे रहे हैं क्या होगा इसका? फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सपीरियंस पॉपुलर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिलेनियम। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो आप मिला लेंगे, स्पेलिंग के लिए नहीं कमेंट करेंगे स्पेलिंग गलत है, ठीक। हमें ध्यान देना होता है कि समझ में आना चाहिए, बस वर्ड क्लियर हो, समझ में आए, ठीक। इतना जब आप देख लेते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके आगे भी हम बताने वाले हैं, ठीक है, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो है विस्टा आया था आपका, कौन सा आया था? विस्टा आया था, और 6 तक बता चुके शायद, विस्टा आया हुआ था। तो विस्टा, और इसके बाद फिर आया लिनक्स आया, फिर आपका यूनिक्स आया, है ना। तो विस्टा आया, इसमें भी कई वर्जन्स बने थे। विस्टा में भी 2007 आया, 2008 आया, ठीक, 2007, 2008, फिर 2008.1 क्यों आया? क्योंकि 2008 में एक बार लॉन्च हुआ था, फिर दोबारा उसी में हो गया, उसी सन में, तो ये 8.1 बना दिया इसको। 2010 में आ गया, 2010 में आ गया। इस तरीके से इसके नए नए वर्जन आते गए। फिर लाइनक्स से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है कि लाइनक्स कैसा सॉफ्टवेयर है? आप बताएंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप क्या बताएंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है? अब हमने चल के अदर सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी बनाए हैं तीसरे में, उसमें बताएंगे हम कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है। फिर यूनिक्स आया, यूनिक्स क्या है? इसी का ओल्डर वर्जन है, इसी का ओल्डर वर्जन ऑफ लिनक्स। आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो यूनिक्स है इसी का ओल्डर वर्जन, इसी का पुराना वर्जन है, ठीक। और जो आप फेमस होगा, आपने सुना होगा कि एंड्रॉइड,
एंड्रॉइड का नाम तो सुना ही होगा, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये आप कह देंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक। बहुत ही फेमस है हमारी मोबाइल में, सामान्यतः ज्यादातर जो अभी यूज हो रहा है वो एंड्रॉइड ही यूज हो रहा है सामान्य मोबाइलों में। सिंपल स्मार्टफोन में जो आपका सॉफ्टवेयर यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है? एंड्रॉइड यूज होता है, बाकी बहुत सारे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल तो देख चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, समझ भी चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, दो नंबर पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है हमारा दो नंबर पे। अब समझते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या समझेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है? आज हमें सॉफ्टवेयर खत्म करना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़ते रहेंगे कॉपी और पेन के साथ तो समझ में आएगा। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? अगर आप सर्च करते हैं यूटिलिटी की मीनिंग, तो यूटिलिटी की मीनिंग जहां तक मुझे पता है ये चिकित्सक दिखाएगा। क्या दिखाएगा? चिकित्सक। चिकित्सक का काम क्या होता है? वो हमारी बीमारियों से लड़ने का काम करता है, ठीक, या वो हमको जो है दवाइयों के माध्यम से हमारे शरीर की देखभाल करता है। उसी तरीके से सिस्टम में भी देखभाल करने की जरूरत होती है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई रोग आता है तो उस रोग से लड़ने के लिए कौन सी ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वह रोग से लड़ सके? यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाम आपने सुना होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाम आपने सुना होगा, इंग्लिश में इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, ठीक। तो ये जो होता है ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ही होती, इसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, यदि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है, ठीक है, क्षमता है अधिक लड़ने की, तो कोई भी रोग आता है उसको भगाता है, भाग यहां से, यहां कहां आ रहा है, उसको लड़ जाता है तुरंत, कि हमारे जो जिसके अंदर यानी कि हमारे अंदर है वो तो हमारे शरीर में प्रवेश करने से उसको रोकता है। एक तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से दरवाजे पे द्वारपाल खड़ा होता है और बिना अनुमति किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता है, उसी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो हमें बचाता है रोगों से लड़ता है और भगाता है। उसी तरीके से हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही हमारे सिस्टम को जो है वायरस वगैरह से रोकने की जरूरत होती है, इसे लड़ने की जरूरत होती है, तो यह काम कौन करता है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे सिस्टम को मेंटेन, मैनेज और रिपेयर करने का काम करता है। क्या क्या काम करता है? मेंटेन, मैनेज या आप कह सकते हैं रिपेयर करने का काम करता है। कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये काम होता है इसका, मेंटेन और रिपेयर करने का काम होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को मैनेज, मेंटेन और रिपेयर करने का काम करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हमारे सिस्टम में ही होते हैं और होना जरूरी भी होता है। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है या है ही नहीं, तो हम हमेशा ही किसी न किसी रोग से ग्रसित रहेंगे, किसी न किसी रोग हमारे ऊपर हावी रहेगा। उसी तरीके से हमारे सिस्टम में अगर यह सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ है तो कोई ना कोई ऐसा वायरस, कोई ना कोई ऐसे हानिकारक चीजें, डाटा, हमारे डाटा को खत्म करते रहेंगे, उनको नष्ट करते रहेंगे और हमारे जो है सिस्टम को हानि पहुंचाते रहेंगे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ये हमारे सिस्टम में होना ही चाहिए। ये भी हमारे सिस्टम में होता है तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार ही है ये, तो ये भी सिस्टम में ही आएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं भाई? एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर,
एंटीवायरस आपने हो सकता है सुना हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी का मतलब होता है दुश्मन, एंटी का मतलब क्या होता है दुश्मन होता है, और वायरस माने किसका दुश्मन, वायरस का दुश्मन, इसी को बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस के दुश्मन हो, ठीक, वो किसका दुश्मन हो, वायरस का, जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है उसका दुश्मन हो, वहां से आने से रोकेगा, तो भाग यहां से, यहां कहां आ रहा है, तलवार लेके हम खड़े घुसता हुआ चला आ रहा है, लड़ करके उसको भगाने का काम करता है, इसको कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप देखेंगे बैकअप स्टोरेज है, तमाम प्रकार की जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं बैकअप स्टोरेज, ठीक, बैकअप, बैकअप क्लीनअप आप मिल जाएगा आपको, बैकअप क्लीनअप है ना, डिस्क क्लीनअप भी मिलेगा आपको, डिस्क क्लीनअप। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सिस्टम को मेंटेन रिपेयर करने का काम करते हैं, हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा यदि हानिकारक फाइलें भर जाते हैं तो उसको हम क्लीन करते हैं डिस्क क्लीनअप, बैकअप क्लीनअप से। बहुत सारे तरीके से जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, आप बहुत सारे मिल जाएंगे आपको तमाम प्रकार के, ठीक। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहीं पर खत्म हो जाता है, और इसके बाद अब जो हमारा लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीसरा क्या आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर कोई पूछे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो बता देना भाषा अनुवादक, क्या बता देंगे, भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक मतलब भाषा को अनुवाद करने वाला, किसमें अनुवाद करने वाला, देखिए हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को बताते हैं भाई ये काम करो, या कोई भी चीज हमको टाइप करनी होती है हम अपनी भाषा में करते हैं, बट जो कंप्यूटर होता है केवल केवल एक ही भाषा को समझता है और उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, नोट कर लीजिएगा इसको, कॉपी पेन के साथ बैठे रहिए हमारे साथ, नोट करते रहिए। और ये होता क्या है, जीरो और वन होता है, मशीन लैंग्वेज पूछते हैं क्या होता है, जीरो और वन होता है, जीरो और वन को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जीरो और वन होता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जीरो और वन होता है, यानी कि जीरो और वन का कोड ही समझता है हमारा कंप्यूटर, और जीरो और वन को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है, जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है उसी को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ओर, ये बताना जरूरी था, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो अब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ओर बढ़ते हैं, हम बता दिए क्या करता है ये, यूजर द्वारा यूज की जाने वाली भाषा को जब वह सिस्टम पे कोई काम करता है तो उसको ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बिना भी हमारे काम, हमारा कोई भी काम चलने वाला नहीं है सिस्टम पर, क्योंकि अगर हम जो बात किसी को, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं और आपको हिंदी आती ही नहीं है, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो हमारे और आपके बीच में कि हम हिंदी में बोल रहे हैं बट आपको सुनाई किसमें दे, जिस भाषा में, जिस भाषा को आप समझते हैं, जिस भाषा में आप बोलते हैं वह भाषा आपको सुनाई दे उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। हम बोल रहे हैं हिंदी में बट आपको सुनाई दे जिस भाषा को आप समझते हैं, मान लीजिए इंग्लिश समझते हैं इंग्लिश में सुनाई दे, फ्रेंच समझते हैं फ्रेंच में सुनाई दे, उर्दू समझते हैं उर्दू में सुनाई दे, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको तीन प्रकार के मिलेंगे, कितने प्रकार के मिलेंगे भाई, तीन प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला हो जाता है असेंबलर, कौन सा हो जाएगा, असेंबलर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर।
ये आपके तीन भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर आते हैं। तो भाई असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर का काम होता है ए चेंज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये आपकी भाषा को मशीन लैंग्वेज में यानी कि जीरो और वन में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। यही काम होता है कि इसका असेंबलर का काम होता है। ठीक, अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तभी वो आपकी या हमारी बात को समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। फिर कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर सेम टाइम में ही पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है सेम टाइम में। ठीक, ये कंपाइलर का काम होता है कि पूरे पूरे होल प्रोग्राम को, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है कंपाइलर का काम। ठीक, अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? ये लाइन बाय लाइन, कैसे? लाइन बाय लाइन। ठीक, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। आप देखे होंगे जैसे किसी अदर कंट्री की, अगर आपने उस वहां के नेता की स्पीच सुनी हो तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब आप न्यूज देखते हैं तो साइड में वो बोल रहा है व्यक्ति दूसरे लैंग्वेज में, बट उसी के बगल में एक पैराग्राफ आ रहा है लाइन बाय लाइन। जैसे जैसे वो एक एक लाइन बोलता जाता है, एक एक लाइन कन्वर्ट होता जाता है हिंदी में या फिर अंग्रेजी में। उसी को उस किसका काम होता है? वो इंटरप्रेटर का ही काम होता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का। ठीक, तो ये भाषा अनुवादक में तीन आ जाते हैं। आपके असेंबलर का काम होता है कि आपकी भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना पूरे के पूरे प्रोग्राम को, और ये पूरा होल प्रोग्राम को सेम टाइम में यानी कि तत्काल ही चेंज करके दे देता है तुरंत। ठीक, और इंटरप्रेटर का काम होता है कि वह लाइन बाय लाइन आपके जो प्रोग्राम है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके देता है। तो ये आपके भाषा अनुवादक हो जाते हैं, और यहीं पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट करके ये चीजें पूछ सकते हैं, उसका जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने समझ लिया है, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई किस लिए यूज होता है? किसी विशेष कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। कैसे दो कैटेगरी में बांटा गया है? पहला आ जाता है जनरल पर्पज, जनरल पर्पज। दूसरा आ जाता है कस्टमाइज पर्पज, कस्टमाइज पर्पज। ठीक, या इसी को कस्टमाइज पर्पज को ही हम स्पेशल पर्पज के नाम से भी जानते हैं, स्पेशल पर्पज। ये आपके आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज और कस्टमाइज पर्पज। और भी हो सकता है आपको इसमें मिले, बट अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है जहां से आप पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो जनरल पर्पज सामान्य उद्देश्य के लिए, हम सामान्य कार्य करने के लिए, सामान्य तौर पर जिन कार्यों को करने के लिए, हम जिन डाटा प्रोसेसिंग कार्यों को करने के लिए यूज करते हैं जिन सॉफ्टवेयर को, उसको हम जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कस्टमाइज पर्पज किसी विशेष कार्य को करने के लिए, कि वह सॉफ्टवेयर केवल उसी कार्य के काम आएगा, उसी कार्य को कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज पर्पज या स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक, तो जनरल पर्पज में कौन कौन से आ जाएंगे? जनरल पर्पज में आपने यूज किया होगा, ठीक, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, और फिर आपने यूज किया होगा एमएस एक्सेल, फिर आपने यूज किया होगा एमएस पावर पॉइंट,
उसके बाद एमएस एक्सेस है, पेंट हो गया, ये क्या है, सब जनरल पर्पज है, पेंट हो गया, नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो जनरल पर्पज की कैटेगरी में आएंगे, तो इन सबको हम जनरल पर्पज के सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जनरली सामान्य तौर पर हम जो है इनका डाटा प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए करते हैं, बट कस्टमाइज पर्पज में, ठीक, कस्टमाइज पर्पज में जैसे आपको जो है बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है वो केवल बैंक में ही यूज होगा, बैंक का सॉफ्टवेयर आप अदर कहीं नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर केवल और केवल बैंक के लिए ही बनाया गया है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। जैसे LIC के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो केवल और केवल LIC में यूज होगा, रेलवे के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है केवल और केवल कहां यूज होगा, रेलवे में यूज होगा, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर जो है जरूरतों के हिसाब से यूजर उसको क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं कि हमें जैसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ी किसी कंपनी में कोई कार्य करने के लिए, स्पेशली उसी कार्य के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो आपका कस्टमाइज पर्पज या फिर स्पेशल पर्पज आ जाता है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए हैं, फिर केवल वह सॉफ्टवेयर उसी कार्य के लिए ही यूज किया जा सकता है, ठीक। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। एप्लीकेशन आप देखो सिस्टम के साथ में आता है वो अलग बात है, बट आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज सब लोग करते हैं, जैसे आप देखिए व्हाट्सएप जो है आप डलवाते हो अलग से या इंस्टॉल करवाते हो कि भैया नए नए मोबाइल लेन व्हाट्सएप है ना, तो क्या करोगे उसको भाई प्ले स्टोर पे जाके आपको इंस्टॉल करोगे, यानी बाहर से ले रहे हो, सिस्टम से नहीं आया, वो सिस्टम के साथ में नहीं आया, बाहर से आ रहा है, तो वो एप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम लास्ट शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं शॉर्टकट में, तो वो एप्स हो जाता है आपका, जो हम बाहर से अपने सिस्टम में डालते हैं वो एप्स हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम अदर की कैटेगरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर को रखना चाहेंगे, जरा आप देखिए इसको, अदर सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर, ठीक। अदर सॉफ्टवेयर में पहला ले लेते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, पहला सॉफ्टवेयर हमने कौन सा ले लिया, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, नोट डाउन जरूर करते रहेंगे कॉपी और पेन के साथ, तभी इसका फायदा मिलने वाला है और तभी आपको समझ में भी आएगा, अदरवाइज आपके समझ में आने वाला है नहीं, ये कितने भी कोशिश करते रहेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो और आप दो नंबर देखेंगे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, तो पहले में लोग क्या कहते हैं इन दोनों को साथ में ही समझ लेते हैं, ठीक। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ये क्या होता है और फ्रीवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वह होता है जो क्या कहते हैं नो ऑफ कास्ट रहता है, उसके लिए कोई कास्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कास्ट आप कह सकते हैं, ये आप जो है फ्री ऑफ कास्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता हमें इसके लिए, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल मुफ्त रहता है, फ्री में रहता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, चाहे जब तक आप यूज कीजिए कोई जो है उसमें बाउंड नहीं किया जाता है आपको कि आप इसको कब तक यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होता है, कभी भी आप यूज करते रहिए। आप पूछेंगे एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है, भाई एग्जाम्पल आप देखिए, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल क्रोम, क्या इसके लिए कोई पैसा देते हो आप, नहीं देते हो, गूगल क्रोम के लिए इंस्टॉल करते हो पीडीएफ रीडर जिससे आप पीडीएफ देखते हो, पीडीएफ अगर बनाते हो किसी चीज का पीडीएफ उसमें देखते हो ना, या आपके व्हाट्सएप पे कोई पीडीएफ आया तो उसको कहाँ पढ़ोगे, पीडीएफ पे जाकर के देखोगे, पीडीएफ में खुलेगा, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि जो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं ली जाती, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लेते हैं, फ्री रहता है वो, कोई उसमें कॉस्ट नहीं देना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है,
तो शेयर वेयर सॉफ्टवेयर वह होता है जो कि कुछ समय के लिए क्या रहता है, फ्री रहता है, फ्री रहता है कुछ समय के लिए। ठीक, फ्री कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए ट्रायल वर्जन जानते हैं अपना, ट्रायल वर्जन वही होता है फ्री क्या कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे कह दिया कि 3 वीक आपको फ्री में इसको आप यूज कर सकते हो, या कह दिया 3 मंथ आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन 3 वीक के बाद या 3 मंथ के बाद आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कुछ फीचर्स इसके अनलॉक कर दिए जाते हैं कि आप जो है ट्रायल कर सकते हैं, इसका ट्राई कर सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है, क्या कैसे इसका डेमो आप ले सकते हैं, लेकिन जितनी उसकी लिमिटेशन रहेगी सीमित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यानी कि उसे खरीदना पड़ेगा, आपको परचेज करना होगा, तभी वह सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में काम करेगा, तभी काम करेगा। ऐसे ही सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए कि जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक, प्रोप्राइटरी ये रहता है शायद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो जाता है प्रोप्राइटरी, हिंदी में भी वही बोलेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही। इसमें क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब उस कंपनी से है जो उसे सॉफ्टवेयर का मालिक होता है, जो उस सॉफ्टवेयर का मालिक होता है, और कोई भी कंपनी की अनुमति के बिना उसे डुप्लीकेट या फिर शेयर नहीं कर सकता है, और यूजर को इसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है। यानी कि जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसके मालिक हम हुए या हमारी कंपनी हुई, तो मेरी कंपनी के ऑर्डर के बिना, मेरी कंपनी की अनुमति लिए बिना उस सॉफ्टवेयर को कोई यूज नहीं कर सकता, कोई शेयर नहीं कर सकता है। ठीक, शेयर नहीं कर पाएगा जब तक वह सब्सक्रिप्शन नहीं लेता है। सब्सक्रिप्शन बिना लिए उसका यूज आप नहीं कर सकते, यानी कि खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर पाओगे और शेयर भी कर पाओगे, उसको डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक, आप एग्जाम्पल में अगर देखें तो जो सॉफ्टवेयर होता है विंडो, क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एडोब फोटोशॉप CS3 वर्जन है, ये एडोब फोटोशॉप CS3, कोरल ऑफिस X3, ये भी क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, विंडो 10 है, इन सबको हमें खरीदना पड़ता है, तभी आप इसका यूज भी कर सकते हो, फिर चाहे डुप्लीकेट कर लो या फिर शेयर कर लो, कुछ भी कर लो। यानी कि जैसे हमने अगर खरीद लिया विंडो 10, तो हम किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने परचेज कर लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लिया है उसका, बिना लिए हम नहीं दे सकते हैं किसी को। ये होता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक, इसके बाद आपने सुना होगा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दोनों को एक साथ समझते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोनों क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वह होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना दिया जाता है, कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया
वह सॉफ्टवेयर केवल और केवल विंडो 10 पर ही वर्क करेगा, विंडो 10 पर ही ऑपरेट होगा और किसी पर नहीं होगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्लोज सोर्स बोलते हैं, यानी कि उसका सोर्स क्लोज है, ओपन नहीं है, किसी पर भी नहीं कर सकता है कि रामू लेगे, चंगू लेगे, मंगू लेगे, किसी पर नहीं हो सकता है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने सॉफ्टवेयर को बनाया है वह उसी पर वर्क करेगा और किसी पर नहीं करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ओपन सोर्स क्या होता है, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, विंडो 7 हो, विंडो 3 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर आप ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। ओपन सोर्स है, खुला हुआ है, खुला भंडारा चल रहा है, जो है वही ले जाए, लूटो खाओ अपने मन का। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। क्लोज सोर्स के लिए क्या बोलते हैं, जिसके लिए बनाया गया है वही खाएगा। ठीक, जैसे बड़े बड़े शादियों में क्या होता है भाई, गार्ड लगे होते हैं, आपको एक कोई पहचान दे दिया जाता है, बिल्ला वगैरह कुछ ऐसा दे दिया गया, जो उसको पहना रहेगा उसी को अंदर घुसने दिया जाएगा भोजनालय में, और किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। तो वहां क्लोज सोर्स लगा हुआ है, यानी कि कोई भी नहीं आकर के खा सकता है, खुला भंडारा नहीं है, जितने लोगों के लिए या जिसके लिए बनाया गया केवल वही खा पाएगा, तो ये क्लोज सोर्स हो जाता है। ओपन सोर्स है, खुला चल रहा है, जो आए वही लूटे खाए, ले जाओ सब लोग, ले जाओ कोई भी आए कोई भी ले जाए, ये ओपन सोर्स हो जाता है, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज हो जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्लोज सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सॉफ्टवेयर का चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है, सॉफ्टवेयर का चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक, अब आप ये देखिए कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क, हाउ टू वर्क, कौन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। तो आपका यहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, या फिर मोबाइल है, कंप्यूटर हार्डवेयर है या फिर मोबाइल है, ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर है या फिर मोबाइल है, और आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल में किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मोबाइल में आपका एंड्रॉयड लगेगा, कंप्यूटर में बहुत सारे जितने भी हमने बताए एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी हमें इसको चलाने के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका पार्ट है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही इसी पर कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी पर कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल गया, अब कोई एप्लीकेशन होना चाहिए उस पर चलाने के लिए, भाई ठीक है सिस्टम हमारा चलेगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा उसमें, उसी पर हम वर्क करेंगे, तो यानी कि अब हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर एप्लीकेशन सिस्टम सॉरी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। आप जो है यूजर किस पर वर्क करता है, हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, इसको यूजर यूज करता है, हम और आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इस पर वर्क करते हैं, ठीक। लेकिन आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या किस पर वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, किस पर वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर वर्क करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है। और जो आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर या फिर हमारे मोबाइल पर वर्क करता है, इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो वर्क करता है, यानी कि हम एप्लीकेशन पर, ठीक, और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ऑपरेटिंग सिस्टम
सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या फिर हमारे मोबाइल पर वर्क करता है। इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर का चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी, और जो कंप्यूटर कोर्सेज के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी वगैरह में। तो आप कहीं भी कोई डाउट होगा पूरे चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और हम यह आशा जरूर करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बट अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है। अब जहां तक चांसेस है, ज्यादातर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर के साथ मिलें, और जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।